चलती है। मैं युवाओं के लिए ठीक है 3 महीने कोर्स कर रखे हैं, पर मैं क्या कर रहा हूँ आज के टाइम में, मैं उन लोगों के लिए बाइक चला रहा हूँ ग्रेजुएशन करके। आज तक बताया कोई प्राइमरी स्कूल है इतने, किसी के अंदर कुछ काम है, मेरे को तो लगता नहीं है। सबसे बड़ी कमी यही है ना कि कैंडिडेट जो होना चाहिए वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि जो भी पार्टी से कैंडिडेट आए कोई जानते ही नहीं होते लोग, या इवन चाहे फ्राइडे हो जुमा की नमाज या फिर मंदिर में कोई ऐसा काम हो, साफ सफाई बिना कहे वहाँ पर पहले से ही हो जाते हैं। जब हम पैदा हुए थे तब से ही पुरानी बाईपास पे कूड़े का पार्क बना हुआ है, वो आज तक खत्म हुआ। उसके बाद गाजीपुर मंडी में बना कूड़े का पार्क, वो भी आज तक खत्म हुआ। 93 के अंदर यहाँ से विधायक जो था उसने काम कराया था, 98 के अंदर अपने सरकार आ गई थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने काम किया, लाइट कांग्रेस लेके आई है यहाँ पे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीवन, और इस वक्त हम रात हो चुकी है अलग है, लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव यात्रा कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर हैं, ये पूरा प्रो मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम इलाका है, वहाँ पर हम खड़े हैं जिसको कहा जाता है चांदबाग चाहे शाहीनबाग का, जो और दिल्ली सीए के टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, तो उसी इलाके में हम मौजूद है। हम यहाँ से जानेंगे कि ये जो मुस्लिम एरिया है यहाँ से जो दिल्ली एमसीडी के लोग हैं वो इस बार मुस्लिम किस और जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव की अगर हम बात करें तब तो क्लियर था हिंदू मुस्लिम सब एक लहर चल रही थी आम आदमी पार्टी की, और क्या एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की लहर है। या 17 साल से जो यहाँ पर काबिज है दिल्ली में बीजेपी, वो इस बार काबिज रहेगी या नहीं, तो कुछ युवा है इनसे हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक हसन है। शारिक हसन जी, तो दिल्ली एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है, हालांकि पहले जाने चाहिए थे, थोड़ा लेट हो गया, तो इस बार युवा की बात करें तो वो किस और जा रहा है? देखिए एमसीडी के अंदर हम चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार आए, हमारे यहाँ से बॉबी त्यागी जी थे, उन्होंने 5 साल बहुत अच्छे किए, परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा रहा है। सीट के अंदर परसिमन जब से हुआ है उसकी वजह से वो दूसरी सीट पे चले गए, बाकी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था इन 5 साल में। परफॉर्मेंस अच्छा था लेकिन सीट बदल दी गई, इस बार उनको यहाँ से हटा दिया गया है, वो इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उनको होना यही चाहिए था लेकिन वो पड़ोस वाली सीट पे चले गए, काम तो काफी अच्छा किया है। छोटी सी मैं बात बताऊंगा, वो भी त्यागी दूसरे समुदाय के, आप लोग मुस्लिम है फिर भी आपको कैंडिडेट वो पसंद है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं? देखिए ऐसा है, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, हम जो लोग लाइक करते हैं वो बॉबी त्यागी को ही करते हैं, उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं यहाँ पे। बाकी ये कि जैसे दंगा हुआ था वैसे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं है, ना किसी पब्लिक के कोई माइंड के अंदर कोई किसी भी बात को लेकर कोई है, बल्कि हम तो चाहेंगे उसका जिक्र भी ना हो तो ज्यादा बेहतर। हाँ है ही नहीं यहाँ पे, ऐसे कुछ है ही नहीं ना, तो फिर उम्मीद क्या दिख रही है, उनके जाने से नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को या जीत जाएगी? वो उनके जाने से जो हमें दिख रहा है, अब जो यहाँ पे कैंडिडेट है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है हमारे को, बाकी उनके जाने से नुकसान तो है ही, नुकसान है। ओवरऑल की बात करें तो क्या होगा दिल्ली चुनाव में एमसीडी? दिल्ली चुनाव के अंदर तो जो लग रहा है हम लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि केजरीवाल जी फुल बहुमत के साथ में आएंगे, आ जाएंगे। चलिए आपसे बात करेंगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम शमशेर अली है। शमशेर अली जी, क्या हो रहा है इस बार दिल्ली चुनाव में? भाई मेरा दिल्ली चुनाव से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा तो मतलब सिर्फ बॉबी त्यागी से था, सबसे बेस्ट आदमी लगा मेरे को इस इलाके के अंदर, और अब पता नहीं नए नए कैंडिडेट है ना ही हम किसी को जानते हैं, अब वो जैसा भी काम करेंगे जो भी होगा वो बात की बात है, मगर भाई पहली पसंद तो सिर्फ केजरीवाल। अच्छा क्या वजह है, 17 साल से बीजेपी सत्ता में है लेकिन इस बार आप क्या रहोगे? कभी कोई काम नहीं हुआ, पहली बार जो काम हुआ है इस 5 साल में हुआ है जो कि बॉबी त्यागी ने करवाया है, कभी उससे पहले कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, अब जो नए नए कैंडिडेट है, मैंने सुना है कोई है बंदे नए जो आ गए नए टिकट लेके, अब देखो क्या करते हैं इसमें। सबसे बड़ी कमी एक ये है ना कि कैंडिडेट जो होना चाहिए वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि जो भी पार्टियों से कैंडिडेट आए कोई जानते ही नहीं है, उन लोगों को पढ़े लिखे ही नहीं है, तो वो काम क्या करेंगे ये बताओ ना आप। कुछ हमारे को तो लगता नहीं है कि वो पब्लिक की कोई सेवा कर पाएंगे, उनको आता ही नहीं है तो करेंगे कहाँ से। एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कैंडिडेट जो आ रहा है वो कितना एजुकेटेड है, इसकी मांग उठ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या लग रहा है इस बार किस और जा रहा है, क्या नाम है? देखिए औसाफ नाम है मेरा और मैं ही के निवासी चांदबाग। देखिए चुनाव किस और जा रहा है ये कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि हम फिलहाल अभी अपनी ही सीट से बात करते हैं कि हमारे यहाँ से क्या कौन कैंडिडेट है और कौन कैंडिडेट था। अगर हम बात करें पिछले अपने 5 साल के रिकॉर्ड की, तो हमें एक ऐसा प्रतिनिधि यहाँ का बंदा मिला जो एक वेल एजुकेटेड बंदा था, जिसको अफसरों से बात करने की तमीज थी कि कैसे बात की जाए, बात करके काम कैसे निकाला जाए। फिलहाल अभी मैं कुछ नाम सुन रहा हूँ चाहे वो कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, तो मुझे कोई एजुकेटेड बंदा नजर नहीं आया अभी तक जिसको हम ये सोच के वोट दे दें। तो फिलहाल हम सोचेंगे कि इनमें से कौन हमारे लिए चांदबाग के लिए कौन बेहतर रह सकता है,
जो हमारे चांदबाग का जो छोटी मोटी समस्या से कूड़ा उठाना या क्योंकि मैं भी यहाँ मेरे को 8-9 साल यहाँ रहते हो गए, जितना 5 साल में कूड़ा उठा है यहाँ से साफ सफाई के मामले में वो मिस्टर मनोज त्यागी के बदौलत ही यहाँ पर सारा काम हुआ है। बाकी उनके जाने से हमें नुकसान है काफी, क्योंकि हमारा जो काम होता था वो ऐसा नहीं कि हमें बोल के आना पड़ रहा है कूड़ा उठ जाए, पूरा सारा सारे काम सारा अपना आप होते थे, कोई इसमें या इवन चाहे फ्राइडे हो जुमा की नमाज हो या फिर कोई मंदिर में कोई ऐसा काम हो साफ सफाई बिना कहे वहां पर पहले से ही हो जाती थी, बहुत अच्छा माहौल था यहाँ। अब सीट में जो परसिमन हुआ है वहां वो चले गए हैं, अब देखेंगे यहाँ कौन कैंडिडेट बेहतर रहता है हम सबके लिए, उसका देखेंगे क्या उन्होंने क्या किया है समाज के लिए, जो हम भी सारी चीज देखनी पड़ती है ना, कि ऐसा नहीं कि पैराशूट से आगे उतर गए हमारे बीच का बंदा नहीं है कोई, है ना, ये देखनी पड़ती है। बताइए कूड़े के पहाड़ को लेकर जो राजनीति हो रही है क्या लग रहा है, क्या उस राजनीति पे वोट मिलेगा? कूड़े जो पहाड़ है खत्म कर सकता है तो सिर्फ केजरीवाल खत्म कर सकता है, वरना तो जब हम पैदा हुए थे तब से ही बुराड़ी बाईपास पे कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, वो आज तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद गाजीपुर मंडी पे बना कूड़े का पहाड़, वो भी आज तक खत्म नहीं हुआ। अब मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि हो सकता है केजरीवाल उसको खत्म कर दे, क्योंकि केजरीवाल बहुत ज्यादा पराली था। इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अगर कूड़े का पहाड़ खत्म होना होता तो 15 साल बीजेपी गवर्नमेंट रही है एमसीडी में, 17 साल तो खत्म हो सकता था, तो अब कहां से खत्म कर देंगे अगले 5 सालों में? भरोसा नहीं रहा, उससे पहले कांग्रेस रही है, कांग्रेस नहीं कर पाई है, और हो सकता है कि ये करते केजरीवाल ही कुछ इसको तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे जब वो फेलियर होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो केजरीवाल ने काम भी बहुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हॉस्पिटल एजुकेशन को लेके बहुत काम किया है, वो काम इसलिए किया है ना, वो खुद पढ़ा लिखा है, एजुकेशन सारा वही आ गया कि एजुकेटेड। एक और युवा जी बात करेंगे क्या, नाम अरसलान जी, क्या है सहमत है इनसे? बिल्कुल सहमत, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज से, क्योंकि काम हुआ है और उस चीज की सब पब्लिक उसी चीज पे वोट देती है, एज अ बेस देखा जाए तो उसी चीज सर्टिफाइड है वो आपके जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी जी के काम में क्या कमी रहेगी? वो तो कह रहे हैं बहुत काम किया उन्होंने, मेरे को नहीं दिखा अभी तक काम उनका। अच्छा, काम किया है ना एमसीडी के अंदर, करप्शन इतना है कि आपको तो खुद पता ही है, हमसे बेहतर तो आप ही जानते हो करप्शन कितना है इसके अंदर। आज तक बताया कोई प्राइमरी स्कूल है इतने, किसी के अंदर कुछ काम है मेरे को तो लगता नहीं है। जब से इसकी केजरीवाल की सरकार आई है तो स्कूलों के अंदर कितना काम हुआ है, हॉस्पिटलों के अंदर कितना काम हुआ है, ये देखो ना आप भाई, 17 साल ये रही, उससे पहले क्या कहते हैं कांग्रेस रही है, क्या काम हुआ है। चलिए एक एक युवाओं से बात हो गई, बुजुर्ग भी आगे से बात होगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक वर्मा। तो क्या है दिल्ली एमसीडी का मूड इस बार, दिल्ली वालों का किसको? अब दिल्ली का मूड तो ये पब्लिक ही बता रही है, क्या पब्लिक आप ही तो है, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं तो हम तो भैया पार्टी के कार्यकर्ता, फिर ये कहेंगे कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता? तो बीजेपी के कार्यकर्ता, फिर तो आप जाहिर सी बातें वही कहेंगे भाई। हम चले पार्टी का बताइए, कैसे लड़ रही है पार्टी इस बार? पार्टी सही लड़ेगी अपने ढंग से। अच्छा, क्या तैयारी है पार्टी की? पार्टी की सब तैयारी है, चुनाव में कोई घबराहट वाली बात तो है नहीं। अच्छा, कितनी सीटें लग रही है कार्यकर्ताओं? कितनी सीटें लग रही है कार्यकर्ताओं को? सही सीटें मिलेंगे पूरे सत्ता में। अब अंकल से ये पूछो ना कि यहाँ पे हमारे, मैं यहाँ पे मेरे को 30 साल हो गए रहते हुए, अब अंकल साहब ये पूछो ना कि पिछले 5 साल में काम हुआ है या उससे पहले जो एमसीडी के अंदर काम किया है, काम कौन हुआ है? चलिए बता दीजिए, क्यों काम बढ़िया हुआ है? काम बीजेपी के राज में बढ़िया हुआ, 5 साल में कुछ नहीं हुआ है, ये चल रहे हैं बीजेपी की देन है, काम हुआ हुआ है, ये केजरीवाल ने कर रहा है ये। लेकिन ये काम जो है ये किसके अंदर में आता है? ये विधायक के अंदर में आया। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे विधायक ने कोई काम नहीं कराया है, हमारे यहाँ पे जो काम हुआ है वो जब शीला की सरकार थी तब काम हुआ था 93 के अंदर। एक क्वेश्चन आता है कि सत्ता में बीजेपी में कौन है? शीला आई थी यहाँ काम करने, विधायक आया था, विधायक ने करवाया। विधायक कौन था 93 के अंदर? यहाँ से विधायक जो था उसने काम कराया था। 98 के अंदर अपने सरकार आ गई थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने काम किया, लाइट कांग्रेस लेके आई है यहाँ पे चार पांच के अंदर, लाइट नहीं थी 2003 के अंदर, लाइट आई है। बिल्कुल नहीं थी 2003 के अंदर, 2004 के अंदर यहाँ पे खम्भे करे, लाइट आई है ना भाई, आज तक विश्व यहाँ पे जागा नहीं है, विधायक है यहाँ से, उससे पहले यहाँ से दुर्गेश पाठक जी आए थे, रोड का ये सीवर का सारा काम केजरीवाल सरकार ने करा। ठीक है, ये बात कहते हैं कि उस टाइम में यहाँ पर लाइट नहीं थी, लाइट आई थी, सीवर नहीं थे, रोड नहीं थे, वो सारा कांग्रेस सरकार में काम हुआ था, क्योंकि कांग्रेस सरकार, बिल्कुल सरकार तो कांग्रेस की थी, सरकार कांग्रेस थी, विधायक कौन था? विधायक का देखो ना आप काम, विधायक का आप यहाँ से 2 किलो सरकार नहीं काम करती, विधायक करता है काम, विधायक के अंदर
आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाओ, विधायक के घर के पास में रोड टूटा हुआ, विधायक से अपना रोड को ठीक कराया। अच्छा ठीक है, काम विधायक करता है, लेकिन मोदी जी ने तो एक भाषण में कहा है अपने, आप कैंडिडेट मत देखिए, आप मुझे देख के वोट कीजिए। फिर क्यों मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं कि काम विधायक नहीं करता? विधायक नहीं करता, मोदी जी का काम चल रहा है। हाँ चल रहा है। कौन से? नहीं, मोदी जी ने कौन सा हाईवे बना, कौन सा हाईवे था जो मोदी बना? मोदी चल रहा है ना, कोई और चल रहा है, दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल चल रहा है और वो चलेगा, ठीक है, सिर्फ बीजेपी पार्टी चल रहा है। धर्म धर्म की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। मैं युवाओं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, 3 महीने कोर्स कर रखे हैं, पर मैं क्या कर रहा हूँ आज के टाइम में, मैं ओला उबर पे बाइक चला रहा हूँ ग्रेजुएशन करके। रेलवे की तैयारी, पुलिस की तैयारी मैंने करी, एक भर्ती नहीं दिल्ली के अंदर, किसकी सरकार है केंद्र में भर्ती है, कौन निकालता है? भैया मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, मोहल्ले में साफ सफाई हो, मैं रोजगार हूँ, ये मैंने कर रखा, 2 डिप्लोमा कोर्सेस कर रखे हैं, 2014 पास आउट हूँ, पुलिस की तैयारी करी बट कोई भर्ती नहीं आई, रेलवे की भी तैयारी करी कोई भर्ती नहीं आई। आज मेरी क्या है, 25 साल ज्यादा उम्र हो चुकी है मेरी, मैं अब नौकरी नहीं लग सकता। अगर केंद्र में सरकार बैठी हुई थी मोदी तो भर्ती निकालती ना, तो मुझे से युवाओं को ना रोजगार मिल सकता था। अब मैं करके आ रहा हूँ, ओला उबर पे गाड़ी चला रहा हूँ, बदलो और मोदी बदलो, केजरीवाल को लेकर आओ केंद्र में भी और दिल्ली में तो है और रहेगा। एमसीडी में कौन आ रहा है? एमसीडी में भी केजरीवाल आ रहा है, इस बार खत्म सफर बिल्कुल। मेरा वोट बीजेपी में, नो नो स्पीच बीजेपी में, मतलब दो ब्रांड है, एक आम आदमी पार्टी, बिल्कुल मतलब लोग अपनी अपनी होनी चाहिए, सबकी अपनी जॉब दे, अपनी जॉब दे, इसकी सेवा बीजेपी में, मेरे पास जॉब नहीं है, ये प्राइवेट कर रहा, मैं गवर्नमेंट करना चाहता था, सरकार से उम्मीद रखना चाहता था बस। जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं कि वो हो रहे हैं, ये माइक पकड़िए, बताइए क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन मलिक है। हाँ। मैं गली नंबर 3 उमर के अंदर रहता हूँ। उम्र कितनी साल की उम्र है? अच्छा, वोट आ रहा है पहला? वोट आ रहा है पहला, लेकिन वोट मैं उसे दूंगा जो मुझे रोजगार देगा, बस। अच्छा। इतनी बात मैं जानता हूँ और कहना ये चाहता हूँ, ये जो सरकार ने वादे करे थे कि कच्ची सड़क देकर पक्की लगा रहे, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, पोल्यूशन अभी जाओ यूपी पार करो, आप पूरी यूपी में देख लो, प्रदूषण हो रहा, पोल्यूशन भी हो रहा, दिल्ली में भी पोल्यूशन तो दिल्ली में भी है, वही हाल है। लेकिन दिल्ली में ऑर्डिनेंस चलाया गया था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सरकार जो है, लेकिन केजरीवाल बड़ा चिल्लाते थे कि पराली जल रही है पंजाब में, इतने पोल्यूशन हो रहा है, अब तो उनकी सरकार है, मैं भी मान सकता हूँ, लेकिन अब जो नहीं चिल्ला रही है वो इसलिए नहीं चिल्ला रही है क्योंकि पैसा जो है मोदी के पास रोका जा रहा है, वो इसलिए नहीं चिल्ला रही है, पंजाब में उनकी सरकार बन गई इसलिए नहीं चिल्ला रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, देखो सरकार तो हर जगह हर किसी की बोलती है, अब आपकी तूती यहाँ बोलेगी, सामने वाले की तूती उसके इलाके में बोलेगी, यहाँ किसकी सरकार बना रहा है? यहाँ तो अपने यहाँ तो केजरीवाल ही हमारे पार्षद है, मनोज त्यागी जी सबसे बेहतरीन पार्षद है, जो हमारे स्कूल घरों को अच्छा कर रखा, उसे नहीं कर रहा, स्कूल अच्छा कर रखा है, कैसे होगा स्कूल अच्छा है? अच्छा है, लेकिन भाजपा वाले कह रहे कुछ अच्छा नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उनकी तो बोलने के आते बोलते रहेंगे, दर्द होना दर्द निकाल दो। अच्छा, मतलब वैसे सब कुछ सही लग रहा है? बहुत बढ़िया, हम पढ़ के आए ना, हमें पता है, स्कूल में पढ़ के आए हो? क्या नाम है आपका? गौरव। कितनी उम्र है? 22। अच्छा, तो अभी कब पास आउट किया है? मैंने 2019 में करा था। 2019 में? तो स्कूल की कंडीशन कांग्रेस के टाइम में पहले कैसी हुआ करती थी और अब कैसी है? पहले बहुत बेकार हुआ करती थी, टॉयलेट बहुत बेकार हुआ करते थे। अच्छा। और अब जब मैं आम आदमी पता आई थी तो टॉयलेट, क्लासरूम, टीचर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सुधार करा है उन्होंने? बहुत ज्यादा। एमसीडी में केजरीवाल।